वेलकम टू अनदर वीडियो व्यूवर्स। अगर तो आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ स्कॉटलैंड गया था, और स्कॉटलैंड का हमारा जो विजिट था वो तकरीबन 2-3 दिन का था। तो 2-3 दिन में हमने काफ़ी चीज़ों को विजिट किया था। तो मैं जब लास्ट वीडियो एडिट कर रहा था तो मुझे अंदाज़ा हो गया था कि एक वीडियो में सब कुछ कवर करना पॉसिबल नहीं है। तो फिर मैंने क्या सोचा, मैंने सोचा इसको दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। तो एक वीडियो आपने देख ली है और उसका दूसरा पार्ट जो है वो आज आप देखेंगे। तो मुलायजा फरमाएं और प्लीज कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी है। डे 3 खाने वगैरह की वजह से थोड़ा लेट हो गए। अभी इस वक्त जो टाइम है वो तकरीबन 1:30 है। यहाँ से 30 माइल ड्राइव यहाँ पे कनोल हिल पर्थ की जानब, यहाँ से जहाँ पे हम स्टे कर रहे हैं यहाँ से पर्थ की जानब अगर आप ड्राइव करें तो 30 माइल है, अराउंड 40 मिनट ड्राइव है, और बड़ी खूबसूरत हिल है कनोल हिल। ठीक है, अगर आपको हाइकिंग का शौक है तकरीबन गाड़ी पार करके ऊपर जो वॉक है हिल तक की 20 मिनट की वॉक है। एडिनबरा से पर्थ की जानब सफर की भी अपनी ही वाइब्स हैं। हाँ जी, तो ये है जी कनोल हिल। ठीक है, यहाँ से तकरीबन एडिनबरा जो है वो मेरे ख्याल से अबाउट 30 मिनट की ड्राइव है। ये भी खूबसूरत है, यहाँ से अगर आपने ट्रैक करना है ऊपर को तो ये लोकेशन आप देख लें। ये पार्किंग टाइप है क्योंकि समटाइम आपको जो पोस्ट कोड है वो किसी गलत जगह भी लेके जा सकता है। तो ये निशानी है, ये जो है ना ये कार पार्क है इस तरह का। यहाँ पर आके आपने गाड़ी पार्क कर देनी, इससे आगे जो है वो ट्रैक है, पैदल जाएंगे यहाँ से। ये 1.5 किलोमीटर का जो है ना ट्रैक है ऊपर जाने के लिए। ये आप समझ रहे होंगे कि ये ड्रोन के शॉट्स हैं, लेकिन इतनी ऊंचाई पर हैं। अभी हम रास्ते में हैं। ये जी आप जब टॉप पर पहुंचते हैं इस तरह की कैसल आपको यहाँ पे मिलती है देखने को, बड़ी खूबसूरत है। 1.5 किलोमीटर का सफ़र था जो हमने तय किया है। इतनी ऊंचाई पर जाकर जब आप ऊपर से बेंच पर बैठकर ये नज़ारे देखते हो तो यकीन करें सारी की सारी थकावट उतर जाती है।
देर वहाँ बैठकर व्यू एंजॉय किया और फिर खाना खाया और फिर चल दिए अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। एक नई चीज़ फर्स्ट टाइम देखी है मैंने। सिक्के नॉर्मली लोग पानी में तो फेंकते हैं लक के लिए। ये ट्री है कटा हुआ, उसके अंदर सिक्के घुसाए हुए हैं। उनको जैसे ऊपर से ठोक दिया जाता है ना अंदर, तो ऐसे हैं ये सारे सिक्के हैं इसके अंदर। ये दरख्त है कटा हुआ, वही लक वाला सिस्टम है। क्या चक्कर है, लेकिन कुछ ना कुछ है, मेहनत वाला काम है। लेकिन बड़े खूबसूरत तरीके से गोल राउंड सारे लगे हुए हैं सिक्के। आबशार देखी और पानी का शोर ना सुना तो फिर आपने आबशार देखी ही नहीं है। बसों की छतों पर बैठकर तो बहुत सफर किया था, मैंने सोचा आज ब्लैक कैब के फ्लोर पर लेट के सफर करते हैं। हाँ जी, आज की वीडियो थी बस यही तक। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और खुश रहें, खुशियां बांटिए, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।